गर्मी के मौसम में आम खाने का मजा ही अलग है। हम इसे जूस, आइसक्रीम, कुल्फी, स्मूदी, फालूदा कई तरह के वेरिएशन में खाते हैं। तो आज मैं मैंगो से मैंगो फिरनी, या हम इसे आमे फिरनी भी कहेंगे, वही बनाऊंगी। तो चलिए बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स के साथ बनाएंगे मैंगो फिरनी। मैंगो फिरनी बनाने के लिए यहाँ पर हमने बासमती राइस लिए है 50 ग्राम या फिर 4 टेबलस्पून, और इसको 30 मिनट के लिए सोक कर दिया है। अब हम इसको अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे। उसके लिए पानी निकालकर सिर्फ 2 टेबलस्पून जितना पानी इसमें डालेंगे और इसको दरदरा पीसेंगे। एकदम स्मूथ पेस्ट इसको नहीं बनाना है। तो ये देखिए आप इसकी कंसिस्टेंसी। तो इसको अब हम साइड में रख लेंगे। तब तक हम एक काम करेंगे, दूध को गर्म करने के लिए रखेंगे। यहाँ पर मैंने 1 लीटर जितना दूध लिया है, इसको स्लो फ्लेम पे गर्म करेंगे। यहाँ पर मैंने 2 बैगन पल्ली मैंगोज लिए हैं मीडियम साइज के। आप चाहो तो कोई भी वैरायटी के आम ले सकते हो। और इसको हम काट देंगे। तो इसके मैं बड़े टुकड़े करूंगी क्योंकि हम इसको ग्राइंड करेंगे। और साथ ही अगर आप देखोगे तो यहाँ पर मैंने कुछ टुकड़े साइड में रखे हैं, 2 टुकड़े बड़े वाले। तो ये लगभग आधा आम है जिसको मैं गार्निशिंग के लिए रख रही हूँ। तो चलिए इसको एकदम अच्छे से ग्राइंड कर लेते हैं। तो ये हमारी मैंगो प्यूरी बन गई है। तो अब हम दूध की तरफ आएंगे। दूध को हमें एकदम अच्छे से मीडियम स्लो फ्लेम पर गर्म करना है, उबाल लाना है इसमें। तो अब हम इसमें जो हमने राइस पीस के तैयार किए थे वो ऐड कर लेंगे और इसको कंटिन्यू स्टर करते रहेंगे। तो ये देखिए इसको एकदम अच्छे से स्टर करना है मीडियम स्लो फ्लेम पे, और इसको एकदम स्मूथ करना है। इस तरह से आप प्रेस करते हुए इसको एकदम अच्छे से मिक्स कर सकते हो। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो हमें राइस के छोटे छोटे दाने दिखेंगे। तो ये अभी तक पूरी तरह से मिक्स नहीं हुआ है। तो हमें इसको कंटिन्यू चलाना है मीडियम स्लो फ्लेम तक, जब तक ये पूरे अच्छे से मिक्स नहीं हो जाते। ये देखिए 15-20 मिनट्स हो गए हैं और अब इसकी कंसिस्टेंसी देखिए एकदम अच्छे से मिक्स हो गए हैं और दूध काफ़ी गाढ़ा हो चुका है। तो अब हम इसमें जो मैंगो पल्प है वो ऐड करेंगे। देखिए इसका कलर कितना सुंदर लग रहा है। इसको एकदम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। लुक एट दिस ब्यूटीफुल कलर। तो ये हमने एकदम अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम इसमें डालेंगे शुगर। यहाँ पर मैं पहले 1/4 कप जितनी शुगर डालूंगी क्योंकि इसकी स्वीटनेस हमको टेस्ट करनी बहुत ज़रूरी है। तो स्टार्टिंग में थोड़ी सी शुगर डालकर इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। 2 मिनट के लिए अच्छे से मिक्स करना ताकि पूरी शुगर घुल जाए। तो ये देखिए, तो अब हम इसको एक बार टेस्ट करेंगे ये कितना मीठा है। मुझे इसमें थोड़ी सी शुगर कम लगी तो मैं बाकी की बची हुई शुगर भी डाल दूंगी। तो यहाँ पर टोटल मैंने 1/2 कप जितनी शुगर डाली है। ये मैंगो के स्वीटनेस के ऊपर भी डिपेंड करता है, आप कम ज़्यादा कर सकते हो शुगर। तो अब हम इसमें डालेंगे कटे हुए बादाम 2 टेबलस्पून जितने, और 1/4 टेबलस्पून जितनी इलायची पाउडर। अब हम इसको एकदम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। साथ ही मैं इसमें थोड़ा सा डालूंगी काजू, इसको एकदम अच्छे से चॉप कर लिया है। आप चाहो तो पेस्ट भी बना के डाल सकते हो 2 टेबलस्पून। तो यहाँ पर 2 मिनट के लिए चला के फिर गैस को बंद कर लेंगे। तो ये देखिए हमारा जो फिरनी है तैयार हो गया है। इसको आप चाहो तो ग्लास के बोल में या फिर जो कुल्लड़ आते हैं मिट्टी के उसमें भी डाल सकते हो, और इसको हम ठंडा करने के लिए रखेंगे। देखो बहुत ही सुंदर लग रहा है। तो इसको मैं 3 से 4 घंटे के लिए फ्रिज में रखूंगी। 4 घंटे के बाद इसको मैंने गार्निश भी कर लिया है। आप देखिए कितना सुंदर लग रहा है। तो आइसक्रीम तो हम खाते ही हैं, तो क्यों ना इस बार मैंगो की फिरनी बनाकर खाई जाए। तो आप भी बनाइए, टेस्ट में ये बहुत ही लाजवाब है। बच्चे भी पसंद करेंगे और बड़े भी पसंद करेंगे। तो फ्रेंड्स इसको ज़रूर बनाइए और शेयर कीजिए आपके व्यूज़ मेरे कमेंट बॉक्स में। और अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो वीडियोस को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।